हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 77। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट फॉर्म इवेंट्स के बारे में। ऑलरेडी मैंने फॉर्म इवेंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी प्रीवियस में, अगर वो नहीं देखी आपने तो ये वाली थोड़ी सी आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पहले वो देख ले आप। एंड इसी के अंदर भी हम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों चीजें कवर करने वाले हैं, जितने भी फॉर्म इवेंट्स होते हैं उनके बारे में। एंड जैसे कि गाइज, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया जावास्क्रिप्ट की फुल टूल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है गाइज, तो कमेंट करके आप अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से फॉर्म इवेंट्स रह गए हैं जो हमें आज इस वीडियो में करने। ये सारे इंट्रोज के बारे में मैंने प्रीवियस वाली क्लास के अंदर पढ़ा दिया गाइज। ओके, ये वही है पीपीटी आपकी सेम, बस हम यहाँ पे ये देखने वाले कौन कौन से हमारे रह गए। तो यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इनमें से हमारे पास जो आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर, प्रीवियस वाले में हमने फोकस, ब्लर, इनपुट ये कर लिए थे, आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चेंज, सिलेक्ट, सबमिट, इनवैलिड। ओके, ये सारे के सारे हम करने वाले हैं यहाँ पे। मैंने जितने भी हमने कर चुके हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे रेड कलर में रखे हुए हैं, एंड जितने भी इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं वो सारे के सारे ग्रीन कलर में है, चेंज, सिलेक्ट, सबमिट एंड इनवैलिड। ओके, ये सारे के सारे इवेंट्स हैं, इन सारे इवेंट्स को चलते हैं यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल पे, प्रैक्टिकल फाइल पे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है पार्ट 77 जावास्क्रिप्ट फॉर्म इवेंट्स 2.html। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर हो रहा है, और जितना भी यहाँ पे कोड दिख रहा है ना गाइज, ये सारा कुछ प्रीवियस वाले का ही है, उसी को यूज करेंगे हम। ओके, एंड यहां से मैं आपको आउटपुट भी दिखाऊं तो कुछ तरीके इस तरीके का आउटपुट आपको मिलेगा, नेम, रोल नंबर, कंट्री। ओके, ये सारी चीजें आपके पास में अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आपके पास में मेन डॉट जेएस की फाइल के अंदर जो फंक्शंस हमने प्रीवियस में कवर करे थे वो कमेंट कर रखे हैं मैंने। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करना है, इस वाली वीडियो में सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपका चेंज चलता है। ओके, चेंज, ओके, ऑन चेंज किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, मैंने आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियो में आपको इनपुट सिखाया था। ओके, ऑन इनपुट, कि वो इनपुट क्या कर रहा था, हम कि जब कभी भी लिख रहे थे डायरेक्टली इनपुट के अंदर तो वो सारी चीजें हम अपेंड कर पा रहे थे इस वाले डिव के अंदर। ओके, सेम थिंग्स यहाँ पे भी होती है, बट यहाँ पे ऑन चेंज वर्क करता है आपका फोकस आउट होने के बाद में। फोकस इन होने पे बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई कि फोकस होते ही आपको ट्रिगर करना है कोई फंक्शन। ओके, एंड देन उसके बाद में ब्लर करने के मैंने बताया, बट जैसे ही आपका फोकस आउट होता है ना, उसके लिए भी आपका ऑन चेंज तब जाके वर्क करता है। ओके, तो देखिए किस तरीके से ऑन चेंज बनता है और किस तरीके से हमें बनाना चाहिए, ये सारा कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा सिलेक्ट के ऊपर। तो सिलेक्ट में आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में हमारी वैल्यूज एम्प्टी है अभी। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको फिल कर लेना है। ओके, क्योंकि हम इसकी वैल्यू को ही गेट करने वाले हैं, तो किस तरीके से करेंगे वो देखेंगे। तो आप यहां से पिक करेंगे इसको एंड यहाँ पे पेस्ट करना है बस। ओके, तो यहां से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं एक बार, देखिए ये चीज कर लिया मैंने। एंड यहां पे एक फंक्शन बनाएंगे हम ऑन चेंज करके, ये देखिए ये चीज हुआ। एंड देन इसके बाद में आपको यहां पे क्या करना है, चेंज, ठीक है, एंड देन यहां पे आपका ये देखिए। ओके, एंड इसके अंदर भी हम दिस यूज करने वाले हैं, जैसे कि प्रीवियस वाले में मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि लाइक की डायनेमिकली चीजें चलाने के लिए हम दिस को यूज करते हैं, वही सारी चीजें हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। ओके, तो अब इसके बाद में इसके लिए एक फंक्शन बनाना होगा हमें, तो हम चलेंगे अपनी मेन डॉट जेएस वाली फाइल पे, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, एंड यहाँ पे हम लेके आएंगे नेम जो हम वहां पे यूज कर रहे हैं, चेंज फंक्शन नेम का, ठीक है। मैं इसमें एलिमेंट बना लूंगा क्योंकि डायनेमिक चलानी है हमें चीजें। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये स्टोर करवा लेता हूँ जो भी वैल्यू हमें गेट करनी है उस ड्रॉप डाउन की, तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए एलिमेंट डॉट वैल्यू गेट करेंगे हम, ये स्टोर हो गया हमारा यहाँ पे वेरिएबल के अंदर। एंड अब मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पे यही चीज आपकी अपेंड हो जाए इस डिव के अंदर, जो प्रीवियस वाला डिव था ना हमारे पास, इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने कर रखा था, इसी चीज को मैं कर लूंगा कॉपी ऊपर में से, एंड यहां कर दूंगा पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद समझिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, यहाँ पे मैंने आई डी मेंशन करी, डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर मैंने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी उसको अपेंड कर दिया, दैट्स इट। इतनी चीज को हम करेंगे यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ पे आने के बाद अभी आप देखेंगे कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिखा। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इंडिया आ रहा है, तो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, अभी अपेंड नहीं हुआ। बट जैसे मैं कोई कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही वो ड्रॉपडाउन क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये देखिए पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बांग्लादेश में यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों, ऐसा क्यों? ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ये चीज मिस हो गई है आपकी। एंड इसको मैं वापस सेव करता हूँ, वापस चलते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, जब जैसे ही हम इसके ऊपर हैं, फोकस है ऑलरेडी,
तब ये आपका वर्क नहीं कर रहा ऑन चेंज। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, क्लिक कर दे रहा हूं और हमारा यहां से फोकस आउट हो रहा है, तो वो क्या करता है वैल्यू पिक करता है एंड यहां पे अपेंड कर देता है जहां पे भी हम अपेंड करना चाहते हैं। तो जैसे कि आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा होगा। ओके, अब मैं यही फंक्शन आपको कहीं और रख के दिखाऊं, इट मींस कि मैं यही चीज आपको यहां पे रख के दिखाऊं, इट मींस कि फर्स्ट नेम पे, तो ये वर्क है। तो यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद देखेंगे आप, तो यहां पे आने के बाद कोई भी चीज नहीं है। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे मैंने प्रीवियस वाले में आपको मैंने ऑन इनपुट सिखाया था कि इनपुट में जैसी कोई वैल्यू लिखते हैं हम, वो डायरेक्टली यहां पे डायनेमिक आपको दिख भी रही थी अपेंड होते हुए, बट यहां पे ऐसा नहीं हो रहा। लिखने के बाद जैसे फोकस आउट हुआ, वैसे ही आपने देखा कि यहां पे इसने अपेंड कर दिया। ओके, अगर मैं आपको वापस दिखाऊं तो देखिए जैसे आप दिख रहे हैं एम्प्टी, एंड जैसे मैं यहां पे लिखूंगा अभी तो कोई भी चीज अपेंड नहीं हुई, बट जैसे हमारा फोकस आउट होगा तो आउट होने के बाद तुरंत वो वैल्यू को गेट करेगा एंड यहां पे अपेंड कर देगा। तो आप समझ गए कि किस तरीके से आपका ऑन चेंज चल रहा है यहां पे, ठीक है। तो ये था आपका पहला मेथड। अब इसके बाद मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूं कि सिलेक्ट मेथड किस तरीके से चलता है। अब देखिए सिलेक्ट मेथड होता क्या है, जैसे कि आपका क्या है कि यहां पे बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई वैल्यू है, ओके, या इनपुट है आपका कोई। सपोज मैं यहां पे क्या करता हूं, एक वैल्यू ले लेता हूं एंड इसकी एक वैल्यू दे देते हैं, मैं कोड फॉर एजुकेशन ही रख लेता हूं, ठीक है। ये मैंने यहां पे रख दिया, मेंशन कर दिया, ओके, ये है मेरी फाइल और इसमें इस तरीके से मैंने चीजें रखी हैं अभी, ठीक है। अब मैं यहां चलता हूं, यहां पे आने के बाद आप देखेंगे तो मेरे पास में कोड फॉर एजुकेशन है, बट यहां पे मैं जैसे सिलेक्ट कर रहा हूं तो कुछ अभी हो नहीं रहा है, ओके। अब यहां पे होगा कैसे, यहां पे मेरे को थोड़ा सा एक फंक्शन बनाना है और उसको रिफ्लेक्ट करवाना है ऑन सिलेक्ट के तरीके से। ये बहुत रेयरली ही यूज होता है बट इसको भी आपको आना चाहिए, दैट्स व्हाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पे, ओके। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बना रहा हूं, ध्यान रखिएगा फंक्शन, ये देखिए मैंने फंक्शन बनाया एंड यही फंक्शन मैं यहां पे आएंगे, यहां पे बना लेंगे, मैं इसको कर लूंगा कॉपी, करूंगा पेस्ट एंड पेस्ट करने के बाद में सबसे पहले मैं यहां से इसको करूंगा सेव। जैसे आपने देखा कि मैंने पहले कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में सेव करा, ओके, एंड देन मैं यहां पे कर दूंगा चेंज। अभी हमारे पास में डायनेमिक नहीं है, एलिमेंट इसको नहीं रखेंगे एंड मैं इन सारी चीजों को कर दूंगा रिमूव। यहां सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, मैं यहां कंसोल दिखाना चाहता हूं। जब कभी भी कोई चीज सिलेक्ट होती है ना तो किस तरीके से दिखती है, दिस इज सिलेक्ट मेथड, ओके, ये चीज मैंने यहां पे लिख दिया, ओके। अब यहां पे आपने देखा कि यहां कहां पे हम इसको रख रहे हैं, यहां रख रहे हैं फर्स्ट नेम पे, इट मींस कि नेम पे, और ये हमारा फंक्शन है ऑन सिलेक्ट वाला। अब चलेंगे हम यहां पे वैल्यू बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। अभी देखिए मैं कहीं पे भी सिलेक्ट कर रहा हूं तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये फंक्शन चल रहा है, ठीक है, इट मींस कि div में अपेंड हो रहा है। अब यहां पे जैसे ही आप देखेंगे, मैंने यहां पे करा इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने देखा कंसोल में यहां पे हमारा कंसोल प्रिंट हो गया। अब जैसे ही मैं हटा लूंगा वहां से, अभी कुछ नहीं, बट जैसे ही मैं यहां पे दोबारा यहां पे फोकस में आएगा और यहां पे मैं करूंगा अंदर के टेक्स्ट को सिलेक्ट, जो ऑलरेडी उसकी वैल्यू है कोड फॉर एजुकेशन, तो यहां पे आपको कंसोल हिट होते हुए दिख भी रहा होगा, ओके। तो बेसिकली ये कैसे चलता है, ये चलता है आपका टेक्स्ट को या किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए, उस टाइम पे हम इस फंक्शन को यूज करते हैं बेसिकली, अदरवाइज इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है गाइस, ओके। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये चल रहा है कि अगर कोई वैल्यू है आपके पास में, उस चीज को सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद में आप यहाँ पे एक फंक्शन बनाकर उसको ट्रिगर करवा सकते हैं, उसके लिए आपके पास में मिलता है ऑन सिलेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा यूज होता है आपका फॉर्म के अंदर, ठीक है, इवेंट, वो है आपका सबमिट। अब ये सबमिट किस तरीके से काम करता है आपका, ये काम करता है आपका फॉर्म टैग के ऊपर, ओके। अब इस सबमिट को चलाने के लिए हमें एक बटन चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे यहाँ पे। उससे पहले हम बी आर ले लेंगे, ये देखिए बी आर लिया मैंने, ओके, एंड मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं लूंगा इनपुट और इसका टाइप रखेंगे हम, आपको टाइप सबमिट ही रखना पड़ेगा दैट से, ये देखिए ये मैंने यहां पे रखा, मैं करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए सबमिट बटन ये रहा अभी, ओके, आप देख रहे हैं अभी मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं तो वो रिफ्रेश हो रहा है। अब ये रिफ्रेश होने का तरीका क्या है और क्यों हो रहा है ये समझिए, यहां पे एक्शन लिखा हुआ है। और जब कभी भी हम किसी भी फ्रंट एंड में कोई आपका एक एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर कोई फॉर्म होता है, तो वहां का सारा डेटा पिक करने के बाद में हम बैक एंड के किसी भी लैंग्वेज पे उसको शिफ्ट करते हैं, लाइक पीएचपी हो गई, जावा में हो गई, जो भी आपकी बैक एंड लैंग्वेज चल रही है, नोड हो गई, तो उसमें हम उसको भेजते हैं, पूरा का पूरा डेटा फ्रंट एंड से पिक करने के बाद में सेंड करते हैं बैक एंड में। तो यहां तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूं जो कि फ्रंट एंड में यूज कर रहे हैं हम, तो बैक एंड के लिए हमारे पास में कुछ है नहीं। अगर होती तो हम उस फाइल का यहां पे पाथ देते कि वहां पे उस डेटा को रिसीव करने के लिए वो फाइल रेडी रहती, दैट्स व्हाई वो वहां पे रिफ्रेश कर रहा है बार बार, ओके। अब यहां पे आप देखेंगे सबमिट वाले पे किस तरीके से चीजें चलेंगी, तो मैं यहां पे लूंगा आपका सबमिट, ठीक है, सबमिट लिया मैंने एंड इस सबमिट में मैं क्या करता हूं, सबमिट फंक्शन, यहां पे मैं एक फंक्शन बना देता हूं, ये देखा आपने, ये बनेगा हमेशा आपका कहां पे, फॉर्म टैग पे, ध्यान रखिएगा, ये चीज हमने बना ली। अब ये बनाने के बाद में अब मैं यहां से करता हूं इसको कॉपी
एंड कॉपी करने के बाद में यहां करता हूं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद में जो फंक्शन का नाम हमने रखा है ना, इसको मैं कर लूंगा यहां से कॉपी एंड मैं यहां कर दूंगा पेस्ट, ये देखिए ठीक है। अब मैं यहां कंसोल नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो रिफ्रेश होता है बार बार, तो कंसोल हम देख नहीं पाएंगे। हम यहां पे देखेंगे आपका अलर्ट, ओके ये देखिए अलर्ट लिया मैंने, एंड मैं यहां पे क्या लिख लेता हूं, एक रैंडमली क्या करते हैं टेक्स्ट लिख लेते हैं, सक्सेसफुली सबमिटेड मैंने यहां पे लिख दिया। ये चीज हो गया किसके लिए, फॉर्म के लिए। अब देखिए यहां पे चलेंगे हम, जैसे ही यहां पे आएंगे सबमिट पे, जैसे कि मैंने यहां पे आपकी वैल्यू है ये सिलेक्ट, आपका चल भी रहा है ठीक है, ये भी आपका चल रहा है डायनेमिक, ऑलरेडी फंक्शंस चल रहे हैं। अब यहां पे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद तुरंत देखेंगे आप कि आपका एक अलर्ट बॉक्स यहां पे हिट कर रहा है ठीक है, बट जैसे ही मैंने उसको ओके करा वो रिफ्रेश तुरंत हुआ ठीक है। आप देखेंगे जैसे ही मैं सबमिट करूंगा एंड सबमिट करने के बाद यहां देखेंगे, तो यहां पे देखिए इस चीज का सबसे अच्छा उदाहरण है कि जैसे मैं यहां पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, कंसोल आपको दिख रहा है, सबमिट पे क्लिक कर रहा हूं, आपका अलर्ट चल रहा है, इट मींस कि फंक्शन चल रहा है, फॉर्म सबमिट हो भी रहा है आपका, एंड यहां से जैसे ओके कर रहा हूं वो रिफ्रेश कर रहा है, और रिफ्रेश क्यों कर रहा है उसका मैंने आपको रीजन बता दिया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही है। अगर आप चाहते कि इसी सबमिट में ठीक है, ये सबमिट करते टाइम में ही आप कैसे इनपुट की डेटा को कैसे पिक करना है आपको, तो यहां पे हम आईडी देके चल रहे हैं ठीक है। इसी आईडी से हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को पिक कर लेंगे। देखिए किस तरीके से, मैं यहां पे नेम ले लेता हूं, मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लेता हूं ठीक है। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार सिखा रखी है, मैं इसकी वैल्यू पिक करूंगा बस ठीक है, और इसको स्टोर करवा दिया मैंने नेम में ठीक है। अब नेम में पिक करवा दिया, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे जस्ट इसको नेम को यहां पे इस तरीके से दिखा देता हूं आपको, अलर्ट में सक्सेसफुली सबमिट रहेगा, उसकी वैल्यू भी जस्ट मैं आपको प्रिंट करा रहा हूं कॉन्टिनेट करवा के ठीक है। यहां करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, अभी यहां पे कोड फॉर एजुकेशन है बाय डिफॉल्ट, मैं यहां पे क्लिक करता हूं, यहां पे आपको दिख रहा होगा सक्सेसफुली सबमिटेड कोड फॉर एजुकेशन। अगर मैं थोड़ा सा स्पेस कर लूं, मैं कॉन्टिनेट करने के बाद में इस तरीके से ठीक है, एंड यहां चलेंगे वापस, यहां पे आएंगे, यहां पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए आपको दिख रहा है। अगर मैं इस कोड फॉर एजुकेशन को नहीं चाहिए मेरे को, मैं अपना नाम डाल दूं, अगर मैं भास्कर गुप्ता कर दूं, यहां पे करूं सबमिट, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा रियल टाइम में भास्कर गुप्ता वहां पे अपेंड हो रहा है। तो आप समझ रहे किस तरीके से आपको एक फॉर्म का जितने भी इनपुट्स हैं, जितनी भी चीजें, उसके गेट कैसे करनी है चीजों को ठीक है, स्टोर कैसे करवा सकते हैं, देन उसके बाद में तो आपको डायनेमिकली वो चीजें चल करनी ही होंगी। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कि लाइक एक पे वैल्यू है ओके, और रोल नंबर पे वैल्यू नहीं है ठीक है, और यहां पे तो कोई भी हमारे पास में वैल्यू सिलेक्टेड है। तो अगर हम चाहते हैं किसी भी एक इनपुट पे कोई वैलिडेशन करना कि वहां पे वैल्यू होनी ही चाहिए, और तो उस चीज को किस तरीके से करा जाता है, तो वो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे अभी यहां पे हमने ये रखा हुआ है ठीक है, कोड फॉर एजुकेशन है हमारे पास में, बट यहां पे आएंगे हम, रोल नंबर नहीं है हमारे पास में, तो मैं यहां पे क्या करूंगा रिक्वायर्ड लगवा दूंगा मैं। अब ये रिक्वायर्ड आपका बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूट है फॉर्म का HTML5 के अंदर। ये किस तरीके से वर्क करता है वो देखिए, मैं इसको करता हूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां आ जाएंगे, यहां करेंगे क्लिक, क्लिक करने के बाद देखेंगे इतना बड़ा पॉपअप में आपको ये हाईलाइटेड होते हुए दिख रहा है आपको, प्लीज फिल, मैं अगर आपको दोबारा दिखाऊं, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से है ये, तो यहां पे भी इस चीज को भी मॉडिफाई करने के लिए ऑप्शन है हमारे पास में, देखिए किस तरीके से। तो मैंने आपको लास्ट इसके अंदर बताया था मेथड आपका, वो किस लिए था, वो आपका था इनवैलिड के लिए ठीक है, इनवैलिड वाला इसी फॉर्म में आपका यूज होगा। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना, ऑन इन वैलिड लिखना होगा आपको, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं सेम वैसे ही लिखिएगा ठीक है। ये देखिए यहां पे मैंने लिखा, यहां पे लिखने के बाद आप इसके अंदर आप डायरेक्टली टेक्स्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं या फंक्शन कॉल करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली यहां पे अलर्ट बॉक्स प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो देखिए किस तरीके से अलर्ट को यूज करना है। आपने अलर्ट लिया ठीक है, अलर्ट लेने के बाद में डबल कोट्स के अंदर हमेशा सिंगल कोट्स आता है, ध्यान रखिएगा। एंड मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, प्लीज एंटर करेक्ट रोल, ओके रोल नंबर ठीक है, ये चीज हो गई यहां पे। इतनी चीज आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से मैंने एट्रीब्यूट को लिखा, उसमें अलर्ट है, अलर्ट के अंदर टैक्स डाल दिया मैंने, और रिक्वायर्ड है आपके पास में। मैं यहां पे करूंगा इसको सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां पे जैसे मैं करूंगा हिट, हिट करने के बाद आप देखेंगे यहां पे प्लीज एंटर करेक्ट रोल नंबर आपको दिख रहा है, स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको सही कर लेते हैं, ये रहा, ये देखिए यहां पे आएगा ठीक है। आप देख रहे हैं किस तरीके से, अभी आपको HTML5 का एलिमेंट दिख रहा था वो, यहां पे आप देखेंगे वापस मैं हिट करता हूं तो यहां पे आपको ये अलर्ट बॉक्स दिख भी रहा होगा ठीक है। उसके बाद में दिख रहा है आपको कि वापस आपका फिर HTML5 का एलिमेंट आपको मिल भी रहा है ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपको ये चीजें करनी है। अगर मैं रिक्वायर्ड हटा दूं, सपोज मेरे को नहीं चाहिए ठीक है, मेरे पास में बस इतनी है, तो ये वर्क करेगा, तो यहां चलेंगे वापस, यहां करूंगा मैं हिट, हिट करने के बाद में डायरेक्टली देखेंगे तो सबमिट हो गया, क्यों, क्योंकि वहां पे रिक्वायर्ड ही नहीं थी। अगर किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड बनाना है कि वो भरना ही चाहिए, यूजर वहां एम्प्टी हिट कर ही नहीं सकता,
फिर आप इस चीज का यूज करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस जितने भी चार के चार एट्रीब्यूट मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आज बताए हैं उसकी प्रैक्टिस करें। कहीं पे आपको डाउट लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं गाइस। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका सेट इंटरवल एंड क्लीन इंटरवल के बारे में कि किस तरीके से आपका क्लियर इंटरवल करते हैं, आपका सेट इंटरवल करते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।